फिगर गिवन है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। जो ये सर्कल है इसकी जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है। अब मुझे पता है कि अगर एक पॉइंट से एक सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो दोनों की लेंथ इक्वल होती है। सॉल्यूशन करते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। जो दो टेंजेंट होंगे एक पॉइंट से एक सर्कल पे डाले जाएंगे दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। मीन्स ये पॉइंट होगा सी, सी पॉइंट से दो टेंजेंट हो गए, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। दिस इंप्लाइज सी पी इक्वल होगा सी डी के और ये कितना है 6। ऐसे ही बी पॉइंट से बी डी हो गया और बी क्यू हो गया एंड बी डी इक्वल होगा बी क्यू के और ये कितना है 8। और उसको हमने मान लिया ऊपर, लेट ए पी इक्वल होगा ए क्यू के, इक्वल तो होगा लेकिन दे नहीं रखा कितना होगा, तो इसको हमने x मान लिया। इतना काम हो गया, थोड़ा सा लेंथ क्वेश्चन होने वाला है ये। तो देखो अब जो कंप्लीट ट्रायंगल है इसका एरिया दो टाइप से निकालना मुझे, ठीक है। वैसे तो कंप्लीट एरिया ट्रायंगल, जो कंप्लीट ट्रायंगल है इसका एरिया मैं 3 टाइप से निकाल सकता हूँ, 3 में से किसी 2 का यूज करना है, वहाँ से x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन में जो एरिया निकालेंगे इस ट्रायंगल का वो 2 टाइप से निकालेंगे, ठीक है। तो पहली टाइप जो है वो क्या है, इरोंस फॉर्मूला। इरोंस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे पहले, ठीक है। तो इरोंस फॉर्मूले में क्या होता है, एस का यूज होता है, ठीक है। तो एस क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी अपॉन में 2, यही तो हो जाएगा ए एस। तो ये x है और ये भी x है, हम मान के चले हैं कि ये दोनों x है, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, a भी कितना है, ये 6 है ये भी 6 है, 8 है तो ये भी 8 है, a से b कितना हो गया x प्लस में 8, x प्लस में 8 प्लस में a से c क्या हो गया x प्लस में 6 और b से c कितना बेटा 6 प्लस में 8 अपॉन में 2, ठीक है। x प्लस एक्स कितना हो गया बेटा 2x प्लस में, यहाँ पे हो गया 8 और 8 16, या फिर ऐसे कर लो 8 और 6 कितना हो गया 14, 8 और 6 14, 14 टू जा 28 अपॉन में 2। जब नीचे वाले 2 से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस में 14, ये किसकी वैल्यू आ गई s की। हीरोंस फॉर्मूला क्या होता है, होता है बेटा s इंटू में s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी और इसका अंडररूट, ये होता है। यहाँ पे s की वैल्यू आ गई मेरे पास, a बी सी क्या है, ये कंप्लीट साइड, ये कंप्लीट साइड और ये कंप्लीट साइड। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा s, s माइनस में ए बी, एस माइनस में बी सी, एस माइनस में ए सी, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, पुट कर दो वैल्यूज। s की वैल्यू कितनी आई बेटा x प्लस में 14, सेकंड x प्लस में 14 में से माइनस क्या करना है, x प्लस में 8, मतलब कि x माइनस में 8। उसके बाद x प्लस 14 में से ये माइनस कर दिया 6 माइनस 8, उसके बाद x प्लस 14 में से ये माइनस कर दिया माइनस x और माइनस का 6,
और इस कंप्लीट का अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब x प्लस 14 एज इट इज, यहां पे x कैंसिल आउट हो गया, 14 में से 8 गए तो बच गए 6, यहां पे 14 में से 14 गए तो बच गया x, यहां पे ये कैंसिल आउट, 14 में से 6 गए तो बच गए 8, ये आ गया एक टाइप से एरिया आ गया इसका। ठीक है, इसको नोट कर लो अब। ठीक है, फिर इसको इरेज करेंगे। सेकंड टाइप से इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो सेकंड टाइप से एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, अब इस पॉइंट को, ये पॉइंट दे दिया ओ, इसको मिला दिया सी से और इसको मिला दिया बी से और इसी पॉइंट को मिला दिया ए से। ठीक है, हमने क्या किया, ज्वाइन किया ए ओ को, ओ सी को और ओ बी को, ये कंस्ट्रक्शन की हमने, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मुझे बताएं, सेंटर से टेंजेंट पे ना परपेंडिकुलर होता है, सेंटर से टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए बी सी, मैं लिख सकता हूं एरिया बी ओ सी, एरिया बी ओ सी प्लस में एरिया ए ओ बी प्लस में एरिया ए ओ सी। अब आपको बात समझ आ गई होगी कि आगे हमें क्या करना है, बी ओ सी का एरिया निकालना है, ए ओ बी का एरिया निकालना है और ए ओ सी का एरिया निकालना है। मीन्स तीन जो ट्रायंगल बने इसमें, एक ये कंप्लीट, एक ये कंप्लीट और एक ये कंप्लीट, तीनों का एरिया निकाल के ऐड करूंगा तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा, ए बी सी का। ठीक है, अब वन बाय वन एरिया निकालते हैं, पहले बी ओ सी का एरिया निकालते हैं, एरिया बी ओ सी 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्रायंगल का एरिया यही होता है, बेस कितना है यहाँ पे 6 प्लस में 8 14, हाइट कितनी है यहाँ पे 4, क्योंकि रेडियस कितनी दे रखी है इसकी 4, इससे कैंसिल आउट हो गया 2 पे, 14 2 जा कितना हो गया बेटा 28। उसके बाद एरिया ए ओ सी, इसका एरिया निकालना है, तो सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो गया, ओ पी क्या हो गया परपेंडिकुलर, लेकिन ये तो कितना है 4 है, ऐसे ही सेम टाइप से मैं लिख दूंगा ये भी कितना है 4 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2। अब इसमें बेस क्या हो जाएगा, x प्लस में 6, हाइट कितनी है 4, इससे कैंसिल आउट हो गया 2 पे, तो 2 की x के साथ 2x, 2 की 6 के साथ प्लस में 12। उसके बाद एरिया ऑफ ए ओ बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें बेस क्या हो जाएगा x प्लस में 8, हाइट क्या है वही सेम है 4, इससे कैंसिल आउट हो गया 2 पे, तो ये आ गया 2x, 8 के साथ मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 16। अब निकालो इसका एरिया ए बी सी का, एरिया ए बी सी तीनों को ऐड कर दिया, 28 प्लस में 2x प्लस में 12 प्लस में 2x प्लस में 16। ठीक है, या इसको भी रेज कर दो, तो ये आ गया, तो एरिया ए बी सी मेरे पास कुल मिला के कितना आ गया 12 और 16, 28 और 28 कितना हो गया 56। अब 2x प्लस में 2x कितना हो गया 4x, तो ए बी सी का एरिया यहाँ से कितना आ गया 4x प्लस में 56, और यहाँ से रोन्स फॉर्मूले से जो ए बी सी है उसका एरिया कितना आया था x प्लस में 14 इंटू में 6 इंटू में 8 इंटू में x, और इसका क्या था अंडर रूट था। मीन्स अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दूं और इसको सेकंड, तो इक्वेट कर दूं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, इक्वेटिंग
फर्स्ट एंड सेकंड, तो मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस में 56 विच इज इक्वल टू x प्लस में 14 इंटू में 6 इंटू में 8 इंटू एक्स और इसका अंडररूट। अब देखो इसमें से क्या मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, निकाल सकते हैं, तो इसको यहीं पे निकाल दो। तो इसको लिख दिया 4 इंटू, इसमें से 4 कॉमन निकाला तो x प्लस में 14, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वेयर करना बोथ साइड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस में 14, इस कंप्लीट का स्क्वेयर यहाँ पे आ जाएगा x प्लस में 14 6 8 x, इसका अंडर रूट और कंप्लीट का स्क्वेयर, ये आ गया मेरे पास इतना, ठीक है। इसको इरेज कर दें। अब देखो ये जो स्क्वेयर है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो गया 4 का स्क्वेयर कितना हो गया 16, 4 का स्क्वेयर हो गया 16 इंटू में x प्लस में 14 इसका होल स्क्वेयर, यहाँ पे कितना बच गया x प्लस में 14 इंटू में 6 इंटू में 8 इंटू में x, ये बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब 8 2 जा कितने होते हैं 16 और 2 3 जा कितने होते हैं 6, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना बच गया x प्लस में 14 और यहाँ पे कितना बच गया 3x, ये 3 और x, x उस साइड में जाके माइनस का 14 इक्वल टू 3x माइनस में x, कितना बच गया 2x, तो 2x किसके इक्वल हो गया 14 के, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, कितनी आ गई x की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दिया 7, तो मुझे क्या निकालना था, a से c की वैल्यू निकालनी थी और a से b की वैल्यू निकालनी थी, a से b कितना आ जाएगा 7 प्लस में 6, 7 प्लस 6 कितना होता है बेटा, सॉरी a से b तो ये है 7 प्लस में 8, 7 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 15 और a से c, a से c ये है 7 प्लस में 6, 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा बेटा 13, हमें ये चीज़ फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स, 13 में क्या दे रखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ले लिया हमने, इसके अंदर एक सर्कल है, ये सर्कल ले लिया, इस सर्कल का एक सेंटर है, ये हमने सेंटर ले लिया, ठीक है। सेंटर से जब मैं डी को मिला दूं, सी को मिला दूं और बी को और ए को ही मिला दूं, उस केस में, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है ओ। अब मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड है ना, किसकी अपोजिट साइड है, इस क्वाड्रिलेटरल की, ए बी सी डी की जो अपोजिट साइड है, जैसे ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ठीक है, तो इन दोनों अपोजिट साइडों के साथ जो एंगल बनेगा, मीन्स एक ये एंगल और एक ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट नहीं होंगे बेटा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट कब होते हैं, जब दो लाइंस होती हैं, यहाँ पे डी से बी कंप्लीट लाइन नहीं है, ठीक है, डी से ओ तक है और ओ से बी तक है, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल है और उसका मैं डायगनल खींचूँ तो जरूरी नहीं कि बीच में से पास हो, ठीक है, उसके अंदर एक सर्कल है यहाँ पे ऐसे कुछ करके, तो ये जो डायगनल है जरूरी नहीं कि सेंटर से पास हो, कहीं से ही पास हो सकता है, वही केस यहाँ पे है। तो या तो मैं ये प्रूफ कर दूँ कि इन दोनों का सम कितना है 180, या फिर मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि इन दोनों का सम 180 है, कोई भी एक दे के चल पड़ो, हम यही दे के चलेंगे, प्रूफ करेंगे, प्रूव दैट कि एंगल
सी ओ डी प्लस में एंगल ए ओ बी दोनों का सम कितना है 180। ये बात प्रूफ करनी है, इजी मेथड है। क्या करो, पॉइंट ओ से इस पे, ये पी हो गया, यहाँ पे ये क्यू हो गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। हमने क्या किया, ओ क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, और पी ओ परपेंडिकुलर है किस पे, डी सी पे। दो परपेंडिकुलर ले लिए, ठीक है। अब देखो बेटा, दो ट्रायंगल बन गई, एक तो ये वाली कौन सी डी ओ पी, एक होगी सी ओ पी। दो ट्रायंगल लेके चले, इन ट्रायंगल डी ओ पी एंड ट्रायंगल सी ओ पी, दो ट्रायंगल्स हैं बेटा। अब दो ट्रायंगल्स में देखो, आप जो ओ से पी है वो तो कॉमन है दोनों में, तो ओ पी इक्वल है ओ पी के, कॉमन है, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे ही ले लें कि इसको भी ऐसे ही कर दें, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें यहाँ से भी, और यहाँ से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मीन्स ऐसे कर दें, ठीक है। तो अब इनको पहले मैं नाम दे देता हूँ, ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। बीच में जो पॉइंट है वो ओ है, ठीक है। तो अब देखो भाई, इतना होने के बाद अब यहाँ पे कोई पॉइंट दे लो, मान लिया ये आर हो गया और ये एस हो गया। दोबारा से ट्राइंगल दी, ये एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। इनके बारे में दो ट्राइंगल्स ली, एक तो आर ओ डी, इन ट्राइंगल आर ओ डी, एंड एक ट्राइंगल ली पी ओ डी। जो आर डी है वो डी पी के इक्वल होगा, क्योंकि टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट फ्रॉम कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, तो मतलब दोनों इक्वल होंगे लेंथ में, ठीक है बेटा। अगला देखो, डी ओ इक्वल होगा डी ओ के, ठीक है। ये दो ट्रायंगल लेके चले हम, ये दो। उसके बाद जो आर ओ है ओ पी के इक्वल होगा, ये तो कॉमन है, तो आर ओ इक्वल होगा ओ पी के, रेडियस है ये, ठीक है। ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। तीन साइड इक्वल आ गई, तो हम लिख दें बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल आर ओ डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी ओ डी की। इतनी बात लिख दी, ठीक है। इतनी बात लिखने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल वन किसके इक्वल आ जाएगा, एट के, बाई सी पी सी टी, ये हो जाएगा। सेम टाइप से ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिमिलरली लिख देंगे। कौन कौन सी ट्रायंगल है, पी ओ सी ट्रायंगल, पी ओ सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी कौन सी ट्रायंगल के, एस ओ सी के, ये हो गया। तो यहां से क्या आ जाएगा, एंगल टू इक्वल हो जाएगा थ्री के, दिस इंप्लाइज एंगल टू इक्वल टू थ्री। उसके बाद हमने ट्रायंगल ली कौन सी, यहाँ पे लिख देते हैं, हमने ट्रायंगल ली एस ओ बी, ट्रायंगल एस ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, क्यू ओ बी के, ट्रायंगल क्यू ओ बी। तो यहाँ पे आ गया एंगल 4, 5 के इक्वल, एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के,
एक लास्ट ट्रायंगल बच गई क्यू ओ ए, ट्रायंगल क्यू ओ ए ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल किसके, आर ओ ए के। तो यहाँ से आ गया कि एंगल जो 7 है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। सब में बाईसिपिसिटी है, यहाँ पे भी बाईसिपिसिटी, ये भी बाईसिपिसिटी और ये भी। ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब देखो इन चार जो भी एंगल्स हैं, 8 एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सभी का सम कितना होगा, 180। बट एंगल 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 प्लस में 8 सबका सम कितना हो गया बेटा, 360 हो गया। 180 नहीं होगा, कितना होगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। 1 और 2 तो रहेंगे एज इट इज, 1 और 2 एज इट इज रहेंगे। ठीक है, 3 किसके इक्वल है, 2 के। तो जहाँ पे 3 है वहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2। एंगल 1 एज इट इज, 2 भी एज इट इज। जहाँ पे एंगल 3 है, 3 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो 3 की जगह क्या रख दिया, 2। 4 किसके इक्वल है, 5। 6 5 और 6 एज इट इज रहेंगे, 1 और 2 एज इट इज रहेंगे, बाकियों को चेंज कर देंगे। तो एंगल 6 भी एज इट इज, तो एंगल 4 की जगह क्या लिख दिया, 5। उसके बाद एंगल 5 जो है वो एज इट इज, एंगल 6 भी एज इट इज, जो एंगल 7 है 7 किसके इक्वल है, 6 के। और जो एंगल 8 है वो किसके इक्वल है, 1 के, इक्वल टू 360। एंगल 1 कितने हो गए, 2। 2 भी कितने हो गए, 2। 5 भी 2, 6 भी 2, 2 कॉमन निकाल दिया। ये बच गया एंगल 1 प्लस में 8 प्लस में एंगल 5 प्लस में 6 किसके इक्वल आ गया बेटा, 360 के इक्वल आ गया। ठीक है, ऊपर यहाँ से इरेज कर रहा हूँ मैं ये थोड़ा सा। तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये आ गया एंगल 1 प्लस में 8 प्लस में एंगल 5 प्लस में 6 360 अपॉन में 2, और ये कितना हो गया, 180। ठीक है, अब क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट ही हो गया। 1 नहीं आएगा यहाँ पे, 8 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 8 की जगह 2 आएगा। तो एंगल 1 प्लस में 2, 1 और 2 यहाँ पे हैं, ये दोनों क्या हैं, सी ओ डी। तो इसकी जगह पे रख दिया एंगल सी ओ डी प्लस में। एंगल 5 प्लस 6 क्या है, 5 और 6 है ए ओ बी, ये हो गया एंगल ए ओ बी। और दोनों का सम कितना आया है, 180 डिग्री। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था कि इन दोनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा।